हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है हुंडई की i20 के ऊपर। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने हुंडई की i20 नई खरीदी है और वो नई खरीदने के बाद थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है कि यार इस गाड़ी का माइलेज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हुंडई की गाड़ियों की बात ही होती है एज कम्पेयर टू मारुति की माइलेज बहुत कम होती है। ये जो हुंडई की i20 है इस गाड़ी का माइलेज सिटी में 8 से 9 का और हाईवे पे 14-15 का निकाल के देती है। उसका रीजन क्या है कि ये गाड़ी जो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक में और मैनुअल में 3 से 4 किलोमीटर का फर्क तो आता ही आता है। आज ये गाड़ी हमारे पास आई है दो काम के लिए, एक तो इसमें होगी सेरेमिक कोटिंग और दूसरा इसके अंदर होगा सीएनजी का इंस्टॉलेशन। सीएनजी का इंस्टॉलेशन की अगर बात करी जाती है तो इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे वेरियंट लगा सकते हैं, बट हम इस गाड़ी में जो चूज कर रहे हैं वो है आपका मीजो मोटोजन की किट। जो कि मीजो मोटोजन की जो किट है वो 8 इंजेक्टर वाली गाड़ी है ये, तो 8 इंजेक्टर वाली हम किट लगा रहे हैं इसके अंदर। सिलेंडर इसमें पीछे की साइड से 12 किलो का अप्रूव्ड है। अगर हम बात करते हैं कि ईसीएम कौन सा लगा रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूं इस गाड़ी के अंदर हुंडई के अंदर हम ईसीएम लगा रहे हैं जो क्रेटा और वर्ना के अंदर लगाया था। 8 सिलेंडर वाला ईसीएम है। गाड़ियां भी 4 सिलेंडर की है बट अब ईसीएम इसको 8 सिलेंडर वाला यूज कर रहे हैं, क्योंकि इससे परफॉर्मेंस, पिकअप, माइलेज बहुत अमेजिंग निकल के आता है। रिड्यूसर अगर बात की जाए तो रिड्यूसर इसमें डबल स्टेज का हम यूज कर रहे हैं। डबल स्टेज का रिड्यूसर एज कम्पेयर टू सिंगल स्टेज हमेशा से ही अच्छा होता है। वायरिंग की बात करते हैं तो मैं इसमें कोई भी शॉकेट टू शॉकेट वायरिंग यूज नहीं कर रहा हूं। मैं इसमें कर रहा हूं आपका प्रॉपर सोल्डिंग वाला काम, क्योंकि सोल्डिंग वाला जो काम होगा वो आपका लाइफ टाइम के लिए पक्का काम हो जाएगा। करंट का फ्लो ब्रेक नहीं होता है। बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस निकालने के लिए हमें सारा काम करना होता है। दोस्तों यहां पर इस गाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो सीएनजी पे जैसा कि फीडबैक दिया है मुझे बाकी कस्टमर्स ने, क्योंकि मेरी ये ऑटोमेटिक वाली जो 4थी 5वीं गाड़ी है, मैंने कस्टमर से पूछा था पहले कि कितनी माइलेज आ रही, तो 1 सिलेंडर पे सिटी के अंदर 150 किलोमीटर, हाईवे पे 200 किलोमीटर चल रही है इस टेम्परेचर के अंदर। बिकॉज आज की डेट में ये टेम्परेचर 45 डिग्री का है तो माइलेज की तो बहुत बुरी हालत है, बट उसके बावजूद भी मैंने पूछा था 150 का मतलब 19 का माइलेज निकाल के दे रही गाड़ी। और ये जो है पीछे की साइड से फिलहाल आप देखिए बूट स्पेस इसके अंदर कितना बचने वाला है, उस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे इसमें बूट स्पेस बचेगा और कौन कौन सी गाड़ियां हमारे पास खड़ी हैं, कैसा कैसा काम हो रहा है गाड़ियों के अंदर। जैसे कि यहां पर ये गाड़ी खड़ी है टाटा की नेक्सॉन जो कि फरीदाबाद से चल के आई है। इस गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा चली नहीं है गाड़ी, ये ज्यादा से ज्यादा 7-8 हजार किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। BS6 गाड़ी है, तो इसमें हम किट लगा रहे हैं आपकी लवेटो का COBD2 वेरियंट। लवेटो आप इसमें लगवा सकते हैं, मीजो मोटोजन लगवा सकते हैं, बट कस्टमर ने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें लवेटो COBD चूज की है। इस ईसीएम की मैं खास बात बता देता हूँ, ये इटली का सबसे बड़ी कंपनी है AEB जिसने ये ईसीएम डिजाइन करके दिया है लवेटो को। इसके अलावा ये OBD2 एनेबल्ड है, यानी कि इसमें ऑन बोर्ड डायग्नोसिस सिस्टम इसमें एनेबल्ड होता है। ये डिपेंड करता है डीलर के ऊपर कि डीलर इसमें कैसा काम करते हैं, बट हम इसके अंदर OBD के कनेक्शंस करते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं लड़का वायरिंग बना रहा है। फिलहाल जो वायरिंग है सारी वायरिंग को ट्रिपल लेयर में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस गाड़ी के अंदर एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैनिफोल्ड में ड्रिलिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर मैनिफोल्ड के अडेप्टर्स यूज कर रहे हैं सो दैट की जो फायरिंग मोड है वो बिल्कुल डायरेक्ट जाए। जैसे पेट्रोल के इंजेक्टर्स होते हैं साथ में ही आपके अडेप्टर लगाने से सीएनजी के जो नोजल हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट फायरिंग देंगे। इस गाड़ी के अंदर एडवांसर कुछ कुछ लगाया जाता है, किसी किसी गाड़ी में कुछ भी नहीं लगाया जाता, तो इस गाड़ी में हम एडवांसर जो लगा रहे हैं वो AEB का ओरिजिनल पांडा हम इसमें यूज करने वाले हैं। डायनेमिक इसमें हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कस्टमर का मानना है कि उन्होंने स्टडी किया था कि ये AEB का ही ECM है, तो AEB का ही इसमें पांडा लगेगा, तो आपस में कैलिब्रेशन बहुत अच्छी होने वाली है। सिलेंडर इसमें कस्टमर ने 14 किलो का चूज किया है, 14 किलो का सिलेंडर इसमें लगाया जाएगा। इसके अलावा एक गाड़ी और यहाँ खड़ी है, ये है आपकी बलिनो जो कि BS4 गाड़ी है। इसमें हमने लगाया है मीजो और इसमें आप ECM देखेंगे, ये भी 48 पिन का ECM है और 48 पिन का ओरिजिनल इटली से इम्पोर्ट किया हुआ ECM है। डबल स्टेज का रिड्यूसर यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा ये जो गाड़ी खड़ी है ये है टाटा की नेक्सॉन जिसमें 1 से 1.5 साल पहले CNG का इंस्टॉलेशन हुआ था। आज ये एक चेकअप कराने के लिए हमारे पास आए हुए हैं। मैंने पूछा कि गाड़ी के माइलेज कितनी निकल के आ रही, तो कस्टमर का बोलना है कि सिटी के अंदर 140 से 145 किलोमीटर इस टेम्परेचर में गाड़ी चल रही है और हाईवे पे 180-190 चल रही है। यही सर्दियों की अगर माइलेज की बात करते हैं तो सर्दियों में यही आपकी माइलेज कम से कम 30 से 40 किलोमीटर और एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है जो है आपकी अर्बन क्रूजर। हो सकता है आपने अर्बन क्रूजर गाड़ी ले ली हो, वैसे तो बैजिंग का फर्क है। यहाँ पर मारुति की गाड़ी हो, ब्रेजा या फिर टोयोटा की गाड़ी हो, अर्बन क्रूजर दोनों बिल्कुल सेम है, इंजन सेम है। तो इसमें किट जो हम लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं मीजो और कपलर्स की बात की जाए तो यहाँ पर सारा काम जो है वो सॉकेट टू सॉकेट वायरिंग यूज हुआ है इस गाड़ी के अंदर। मीजो इसमें इंस्टॉल की गई है। यहाँ ये गाड़ी है होंडा की अमेज
BS6 गाड़ी है। और एक मैं आपको खबर दे देता हूँ, होंडा की गाड़ियों के अंदर भी CNG शोरूम पे आप जाओगे तो वो भी आपको CNG लगा के देंगे, और कहीं ना कहीं हमारे साथ भी उनका टाइप हुआ है तो वो CNG आप उनसे लगवाओगे तो गाड़ी हमारे पास ही डायरेक्टली आएगी। 12 किलो का सिलेंडर यहाँ लगाया गया है, और 12 किलो के सिलेंडर में कोशिश करेंगे, 12 किलो के सिलेंडर में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग गैस इसमें आज की डेट में 8 किलो आएगी, सर्दियों में 9 किलो तक गैस आ सकती है। इस गाड़ी के अंदर भी हमने मीजो किट इंस्टॉल की है, और मीजो की किट जो है आप देखिएगा बहुत अमेजिंग तरीके से इसमें किट लगाई गई है। डबल स्टेज का रेड्यूसर लगाया है, गैस फिल्टर इसमें लगाया है, 4 इंजेक्टर्स की गाड़ी है तो 4 इंजेक्टर्स इंस्टॉल किए गए हैं। पीछे की तरफ से ओरिजिनल इटालियन ECM इसमें यूज किया हुआ है। यहाँ पर ये गाड़ी है ग्रैंड आइटन, और ये 2019 का मॉडल है। कस्टमर थोड़ा सा वरीड थे क्योंकि उन्होंने फीडबैक देखे थे ग्रैंड आइटन के अंदर। मैं आपको बता दूं ग्रैंड आइटन में बहुत सोच समझ किट लगाई जाती है। इस गाड़ी के अंदर हमने गैस टैग लगाया है, सबसे मेन चीज होती है इस गाड़ी में हमने लगाया ओरिजिनल शार्क। इस गाड़ी के अंदर शार्क बहुत अमेजिंग काम करता है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। मेरी कोशिश रहेगी आज के इस वीडियो में जो जो मैंने गाड़ियां लगाई हैं उनके फीडबैक भी मैं आपको शेयर करूंगा कि गाड़ी में CNG लगने के बाद क्या क्या फीडबैक निकल के आ रहा है, कैसी गाड़ी चल रही है, और उन कस्टमर्स को बोलूंगा कि वो इन फ्यूचर में अपनी गाड़ी का एक कमेंट डालिएगा। तो दोस्तों हुंडई i20 जो ऑटोमेटिक है उसमें CNG का कंप्लीट इंस्टॉलेशन होने के बाद गैस कंप्लीट भर चुकी है। अब इस गाड़ी के अंदर बहुत माइक्रो में कैलिब्रेशन की जा रही है क्योंकि सबसे मेन पार्ट जो है वो है फिटमेंट का, सेकंड नंबर पे आता है कैलिब्रेशन का। पीछे की तरफ से आप देखेंगे तो 12 किलो का सिलेंडर लगाने के बाद भी बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस निकल के आया है। नेक्सॉन के अंदर भी गैस फिल हो चुकी है, इसकी भी कैलिब्रेशन अब चालू होने वाली है। दोनों के दोनों गाड़ियों से कैलिब्रेशन होने के बाद कस्टमर से पूछेंगे कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। इस गाड़ी में 14 किलो का सिलेंडर लगाया है नेक्सॉन के अंदर, 14 किलो के सिलेंडर लगाने के बाद भी इतना बढ़िया बूट स्पेस निकल के आया है। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं और कौन कौन सी गाड़ियां हैं, जैसे कि ETOs है जो 2011-12 की गाड़ी है, यहां पर नई मारुति की डिजायर है, हुंडई की i20, इसका भी बूट स्पेस 12 किलो के सिलेंडर पे बहुत अच्छा खासा बचता है, वैगनर पुरानी वाली गाड़ी है। हुंडई की i20 के अंदर हमने इसमें लवेटो EXR लगाई है, परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग निकल के आती है इन गाड़ियों की। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो नेक्सॉन है उसकी कैलिब्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर ये पांडा की कैलिब्रेशन चल रही है, CNG की कैलिब्रेशन तो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो i20 है इसमें पूरा काम हो गया, कस्टमर से पूछते हैं गाड़ी कैसी चल रही है। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली आपने? हाँ जी। कैसी चल रही गाड़ी? मुझे तो कुछ महसूस हो रहा है, मतलब महसूस समझा नहीं, मतलब कि पेट्रोल में चला रहा हूँ कि CNG में चला, बिल्कुल सेम चल रही है, सेम चल रही है, एक झटका सुख गया पता नहीं, अब चलने के बाद और पता लगेगा, बिल्कुल सेम चल रही है ना। i20 में तो गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, अब नेक्सॉन के कस्टमर से पूछते हैं कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी निकल गया, थोड़ा फीडबैक दीजिए गाड़ी ड्राइव करके आए, अब गाड़ी कैसी चल रही है आपकी? ठीक है, नॉर्मल एज अ पेट्रोल की तरह ही है, बहुत ज्यादा फर्क तो महसूस नहीं हुआ, कुछ नेक्सॉन थी आप डरे हुए थे थोड़ा सा कि चलेगी पता नहीं कैसी लग रहा था मुझे कि शायद चलेगी कि नहीं चलेगी, बट हां ठीक फील हो रहा है, कभी-कभी लैग है, बस थोड़ा 19-20 का है वो चलेगा, 19-20 का है ना वो चलेगा, स्पोर्ट में चल रही है, स्पोर्ट में भी चल रही है। अच्छा स्पोर्ट्स पे चलाइए आपने गाड़ी? हम आपको मना कर रहे थे कि स्पोर्ट्स पे चलानी नहीं, चल तो जाती है स्पोर्ट्स पे, ये बात नहीं है, बट CNG गैस है, इसमें थोड़ा सा लो फ्लेमेबल फ्यूल है, मतलब बहुत फास्ट बर्न नहीं होता है, टर्बो जल्दी खुल जाता है गाड़ी का, बट चलिए बढ़िया चलिए, पर चलानी नहीं है आपको सर, ठीक है, एवरेज नहीं आएगी अदरवाइज। दोस्तों ये तो अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं, और देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी गाड़ियां खड़ी हैं, जैसे कि होंडा सिटी आई है CNG लगने के लिए, इस गाड़ी में ऑलमोस्ट CNG लगा चुके हैं, इसमें लगाया EGR फ्लेंज जो कि होंडा सिटी गाड़ियों में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, स्मार्ट EXR किट लगाई गई है। इसके अलावा i20 हमारे पास आ चुकी है गैस के लिए, मारुति की डिजायर में CNG लगा के तो बहुत ही मजा आने वाला है, इसकी कैलिब्रेशन चालू हो चुकी है। यहाँ पर एक बात और बता दूं, यहाँ पर गाड़ी आई है हुंडई की वेन्यू BS6, जहां से कहीं और से किट लगी थी पर उनको परफॉर्मेंस में मजा नहीं आ रहा था, यहाँ पर हम इसमें लगा रहे हैं ओरिजिनल शार्क, इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा जंप होने वाला है, आपको आप देखिएगा इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आएगी। इसके अलावा हमारे पास टाटा की पंच आ चुकी है जिसमें CNG ऑलमोस्ट लग चुकी है, 12 किलो का सिलेंडर लगाने के बाद बूट स्पेस बहुत अमेजिंग निकल के आ रहा है, कि टाटा की पंच की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती आ रही है, इसमें लगाइए लोवेटो की COVD2 और COVD2 लगाने के बाद परफॉर्मेंस कैसी निकल के आएगी वो तो हम देखेंगे। फिलहाल हमारे पास गाड़ी आ गई डिजायर जिसकी कैलिब्रेशन होने के बाद टेस्ट ड्राइव हो चुकी है। गाड़ी को टेस्ट ड्राइव किया आपने? हाँ जी। कैसी चल रही गाड़ी? एक नंबर भाई। कोई फर्क पेट्रोल CNG का? 1% बढ़िया, बेहतरीन गाड़ी चल रही है, एक नंबर। ठीक है सर, थैंक यू। जैसा कि हमने इसे वेन्यू में शार्क लगाया तो शार्क की कैलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि शार्क एडवांसर होता है जो AEB कंपनी का, और बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस निकाल के देता है। यहाँ पर आप देखिए प्रॉपर काम कर रहा है, लाइट उसमें ऑन हो चुकी है,
इसके अलावा हमारे पास जो है पंच जो है गैस भर के आ चुकी है, इस गाड़ी के अंदर भी प्रॉपर कैलिब्रेशन का काम स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा जो और गाड़ियां बची हैं जैसे कि वेन्यू, उसकी भी ऑलमोस्ट टेस्ट ड्राइव हो चुकी है जिसमें हमने शार्क लगाया था। अब वेन्यू में पूछते हैं कस्टमर से कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी निकल गया। अब ये बताओ कितना फर्क पड़ा है गाड़ी के अंदर? पेट्रोल जैसा मजा आ रहा गाड़ी। मैंने बोला था ना आपको डाउन मारा, तीसरा गियर है, तीसरे गियर में डाउन मारना पड़ा दूसरा गियर। अच्छा, और अब आप तो तीसरे में उतरी है, बहुत फर्क आया है गाड़ी में। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि वेन्यू में बहुत ज़्यादा पिकअप में मज़ा आने वाला है। ये होंडा सिटी लास्ट कार है जिसमें गैस भर के आ चुकी है। अब जो है पंच वाले कस्टमर से पूछते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी निकल रही है। गाड़ी अब बहुत बढ़िया भैया, बढ़िया बढ़िया चल, कोई किसी तरह का कोई लैग लगा मेरे को पता नहीं, पहले था कि पेट्रोल से थोड़ा सा फर्क पड़ता है लेकिन अभी तो फर्क ही नहीं पड़ा कुछ, बढ़िया चल रही है एकदम। दोस्तों देख लिया आपने कि पंच की गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग निकल के रही है। होंडा सिटी वाले कस्टमर से भी पूछते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या रिपोर्ट है गाड़ी की? बढ़िया भैया, ऑलमोस्ट कोई फर्क पेट्रोल सीएनजी का नहीं, सेम स्पीड से बहुत कम है, ना के बराबर वर्थ इट है। तो दोस्तों आज का दिन यही खत्म करते हैं होंडा सिटी के साथ में, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इजी ड्राइव के नाम से हमारी गाजियाबाद में वर्कशॉप है और इजी ड्राइव पे आके अपनी ड्राइव को इजी बना सकते हैं। थैंक यू।